अभी के टाइम पे गेमिंग पे जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है वो है मोबाइल हीटिंग का, क्योंकि आप कितने भी अच्छे से अच्छे फोन में गेमिंग कर लो, अगर आपका फोन हीट हो रहा है तो आपका फोन लैग करेगा ही करेगा। मैं खुद आईफोन 13 पे गेमिंग करता हूँ, बट आईफोन 13 जब हीट हो जाता है इतना ज्यादा लैग करता है आप मानोगे नहीं। तो कितना भी अच्छा फोन हो हीटिंग होगा तो लैग करेगा। तो इसी प्रॉब्लम को देख के मैं आप लोगों के लिए आज एक सोल्यूशन लेके आया हूँ। मैं आज एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आया हूँ जो आपके मोबाइल हीटिंग को तो कंट्रोल करेगा ही करेगा, उसके साथ आपके बैटरी हेल्थ एंड मोबाइल के प्रोसेसर को भी ठीक रखेगा, क्योंकि हीटिंग डैमेज के कारण ही आपका बैटरी एंड प्रोसेसर जो है डैमेज। तो चलो अभी मैं आप लोगों को प्रोडक्ट की तरफ लेके चलता हूँ, क्योंकि आप लोग कितना भी टिप्स एंड ट्रिक लगा लो कि ब्राइटनेस को लो रखोगे, ये करोगे वो रखोगे अपने हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए, बट एट दी एंड आप लोगों को एक्सटर्नल प्रोडक्ट लगाना ही पड़ेगा अपने हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए। ये सब टिप्स एंड ट्रिक से ज्यादा देर तक काम नहीं चलने वाला, क्योंकि भाई टिप्स एंड ट्रिक से 5-10% इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, बट अगर आप लोग बिल्कुल नहीं चाहते आपको फोन का हाई पोटेंशियल मिले, उसके बैटरी हेल्थ को भी डैमेज ना हो, तो उसके लिए आप लोगों को एक्स्ट्रा प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। उसका रिव्यू मैं आप लोग चैनल पर अभी दिखाने वाला हूँ। तो मैं पूरा पैकेजिंग को खोल के आपका टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूं, उसको सीधा मेन मटेरियल पे लेके जा रहा हूं। सो लेट्स स्टार्ट। तो इधर हम लोग को पैकेट में मोबाइल कूलर मिलता है, उसके साथ मिलता है मैग्नेटिक प्लेट मिलता है। तो अभी बॉक्स पूरा खाली है, अभी बॉक्स में और कुछ नहीं है। तो चलो अभी ये सारे चीज का डिटेल फीचर मैं आप लोगों को बता देता हूं ऊपर से। तो ये जो केबल है इसका क्वालिटी काफी अच्छा है, टाइप सी केबल है जो इसके साथ ही आता है, इसका क्वालिटी मेरे को काफी बढ़िया लगा। एंड जो हम लोग को क्लिप मिलता है दो, ये होता है एंड्रॉइड फोन पे लगाने के लिए, इसको अटैच कर देंगे एंड फोन पे लगा देंगे। एंड इधर हमारा कूलर है जिसके नीचे हम लोग को बटन मिलता है इसका मोड चेंज करने के लिए, उसका टाइप सी है और ये मैग्नेटिक प्लेट है। इसको आप लोग आपके फोन पे लगा के ये कूलर इस पे अटैच कर सकते हो। तो इस पे आप लोग टाइप सी पहले इसको पुट करके देखते हैं, टाइप सी को टाइप सी में अभी इसको चार्ज करके देखते हैं। तो इधर आप लोगों देखो पावर आ चुका है एंड ये लेवल 3 पे जो नॉर्मल कूलिंग करता है ना, अभी से मेरे को थोड़ा फील आने लगा है कि इसका बैक जो है बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है। एंड इसका जो लेवल 2 है वो करता है एक्सट्रीम कूलिंग, एंड जो इसका नेक्स्ट लेवल है जो होगा लेवल 1 वो करता है इसका आइस कूलिंग, मतलब ये काफी ज्यादा ठंडा कर देगा लेवल 1 का। एंड आप लोग अभी से ही इसके डिस्प्ले पे टेम्परेचर देख पा रहे होंगे 6 सेल्सियस और कुछ ही देर हुए हैं। एंड इसका जो RGB लाइटिंग है काफी ऑसम लगता है, आप लोग जो गेमिंग करोगे इसका पूरा गेमिंग वाइब आएगा इस पे। तो इसका जो लाइटिंग है एंड इसका जो कूलिंग है काफी ऑसम क्रिएट करता है आपके गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए। तो मैं सबसे फर्स्ट बिना कूलर के फोन पे मेरे रूम टेम्परेचर पे गेमिंग करके दिखाता हूँ आप लोगों की फोन का टेम्परेचर क्या होता है एंड क्या मेरा गेमिंग एक्सपीरियंस रहता है। तो अभी का मैं जो गेमिंग कर रहा हूँ ये बिल्कुल नॉर्मल है, बिना कोई कूलर के बिना किसी फैन के मैं नॉर्मल जस्ट गेम खेल रहा हूं। एंड फोन का टेम्परेचर को चेक करते हैं इस 10 मिनट के गेमिंग के बाद। तो मेरे फोन पे 10 मिनट मैंने क्रीम कंप्लीट कर लिया एंड इसका जो टेम्परेचर मेरे को वार्म देखने के लिए मिल रहा है, फोन गर्म होना स्टार्ट हो चुका है, मेरे को गर्म फील हो रहा है। एंड जो गेमिंग है उस पे भी मेरे को थोड़ा थोड़ा लैग देखने के लिए मिला, फील हुआ कि फ्रेम ड्रॉप। तो चलो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूं आफ्टर यूजिंग कूलर इसका क्या टेम्परेचर रहता है, क्या एक्सपीरियंस रहता है गेमिंग का एंड फोन कितना हीट होता है कितना ठंडा होता है। तो इसको कूलर को लगाकर हम लोग कूलर को 1 मोड पे दे दिया एंड अभी गेमिंग को स्टार्ट कर दिए। तो ये हम लोग TDM पे आ चुके हैं। तो ये भालू ड्रिल्स पर अब बहुत मार रहा है, तो चलो अभी इसको बदला लेते हैं, ये रहा सामने। तो चलो इससे तो बदला ले लिया इस 12 के, इधर हमारे और किल हो चुके एंड ये भी गया, ये भी खत्म। तो अभी आप लोग TDM को आराम से एंजॉय करो, मैं अभी वॉइस ओवर नहीं दूंगा, अभी आप लोग देखो मैच पूरा एंड कैसा कहां पे गेम लैग होते हैं कहां क्या नहीं होते आप लोग नोटिस करो। देख रहे हो 1v3 आपके भाई का प्रोनेस, भाई अब मानते नहीं हो यार मैं प्रो हूं। अभी आगे और एक बंदा है, ओम का शॉट, भाई क्या एम है, ट्रिपल नॉक वो भी ओम से, देख रहे हो। वन वी थ्री ऐसे ही भाई, मजाक है क्या। और यहाँ पे सब खत्म, लास्ट किल मैं करके TDM जीत चुका हूँ
एंड अभी आप लोग अगर फोन का टेम्परेचर चेक करो ना, मैंने कूलर को हटाया, फोन का पूरा बैक साइड इसने काफी सही से ठंडा किया है भाई, मैं तो सरप्राइज हूँ। एंड बस ऐसा सही नहीं कि जिस जगह पे कूलर लगा हुआ था बस वही जगह ठंडा है, पूरा फोन को इसने ओवरऑल ठंडा किया है, जिसके कारण मैंने गेम पे नोटिस किया इसका फ्रेम ड्रॉप एंड जो लैग है वो बिल्कुल मिनिमम रहा है, सबसे कम जो बोलते हैं, एंड पूरा फोन इसको ओवरऑल ठंडा करके रखा है। इससे पहले मैंने जो बिना कूलर के गेम खेला था फोन काफी मेरे को गर्म लगा था, लाइक फील हुआ था हाथ में कि टेम्परेचर आ रहा है, बट इसमें तो फोन काफी ठंडा है भाई, मतलब सही से टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा है। एंड इसका जो लास्ट वेरिएंट है ये मेरे हाथ में जो है, ये लास्ट टाइम मैंने चैनल पे रिव्यू भी दिया था मूवी लाइफ का, ये भी काफी सही प्रोडक्ट था, इसका भी दो मोड आता था। एंड इसका जो अपग्रेडेड वर्जन है ये इन लोगों ने लाया है अपने स्टोर पे, जिसका मैं अभी रिव्यू दे रहा हूँ, इनका पहले वाला वर्जन था। एंड ये वाला जो वर्जन है इसका एरिया भी काफी बड़ा देखने को मिलेगा कंपेयर टू पहले वाला, एंड इसका जो टेम्परेचर है वो भी इससे ठंडा करता है ये। तो अभी अगर आप लोगों पे एंड्रॉइड फोन है तो अभी दिखाता हूँ एंड्रॉइड फोन पे इसको कैसे कनेक्ट करते हैं विद क्लिप्स। तो आपको पहले इसका जो फर्स्ट क्लिप होगा ऊपर के साइड एक लगाना होगा, आप लोगों को उधर से पॉइंट देखने को मिलेगा, तो मैंने इसका फर्स्ट क्लिप को ऊपर के साइड ज्वाइन कर दिया। एंड जो सेकंड क्लिप है वो नीचे के साइड होगा, आप लोगों को पहले इसका जो केबल है उसको ओपन करना होगा एंड उसके बाद एक क्लिप लगाना होगा। एंड इसको अटैच करने के बाद अभी आप लोगों को ये फोन पे अटैच करके दिखाता हूँ, तो बस आपको फोन के बैक पे जाके ऐसे इस क्लिप को लगा देना है, बहुत ही सही ग्रिप रहेगा, ऐसा नहीं कि वो हिलेगा एंड कुछ। एंड देखो फोन पे क्या सही ग्रिप हो गया, इसको आप लोग एंड्रॉइड फोन पे लगा के आप लोग आराम से गेमिंग कर सकते। और इसका जो मैग्नेटिक वाला है वो आईफोन 12 से लेके जितने भी आईफोन है उसके बाद सब में लग जाएगा, क्योंकि उसके बाद सब में मैगसेफ का चार्जिंग वाला वो आता है, तो सब में लग जाएगा विदाउट क्लिप। एंड आपके फोन को भी अंडर 30 मिनट 25 सेल्सियस तक ड्रॉप कर देगा, जिस पे 25 सेल्सियस पे फोन अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाता है, मतलब उसका जो बेस्ट परफॉर्मेंस रहता है ना मैक्सिमम कितना उसका प्रोसेसर का जो रहेगा वो आप लोगों को एट द 25 सेल्सियस पे वो फोन भी दिखा पाएगा। एंड इसका और एक दो पॉइंट जो मेरे को फील हुआ, ये काफी लो वेट है, मतलब आपको फोन पे ऐसा कुछ भारीपन नहीं आएगा कि आपको जायरो कंट्रोल करने में प्रॉब्लम हो रहा है, काफी लेस वेट है, काफी मिनिमम सा वेट है। एंड इसका जो आप लोग साउंड देखने मिलेगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा साउंड है आप लोग गेमिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ही कम साउंड होगा जो आप लोगों को सही से नोटिस भी नहीं होगा गेमिंग के टाइम पे, तो इसका ना आपको साउंड को लेके कुछ प्रॉब्लम होगा ना इसको फोन पे कनेक्ट करने के बाद कुछ प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वेट भी लो है और आपको ये फोन पे कनेक्ट करने वाला ग्रिप भी सही रहेगा। ऐसा नहीं बहुत सारे कूलर पे क्या होते हैं फोन पे ग्रिप नहीं बन पाता कूलर कनेक्ट करने के बाद, बट इस पे ऐसा वो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अभी मैंने तो भाई बता दिया मेरे को क्या क्या फील हुआ, तो आप लोगों गेमिंग प्रॉब्लम मतलब हीटिंग प्रॉब्लम है इन गेमिंग, आपको भाई हीट होता है फोन लैग होता है, आप लोग जाओ मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके इसको डिस्क्रिप्शन पे सीधा बाय कर सकते हो, बहुत ही सही प्रोडक्ट लगा मेरे को, आरजीबी लाइट एंड सारे चीज मिला के ये बहुत ही ओपी एक प्रोडक्ट है फॉर गेमिंग, तो जाओ आप लोग डिस्क्रिप्शन लिंक से इसको बाय करो। एंड भाई आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जल्द से 5K कंप्लीट करवा दो, एंड वीडियो को एक लाइक कर दो यार, वीडियो को थोड़ा सपोर्ट देने की लाइक कर देना, एंड कुछ भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करना, मैं आप लोगों को आंसर दे दूंगा। चलो मैं मिलता हूं मेरे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय गाइस।